Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है द आइलैंड। तो कहानी की शुरुआत में हमें न्यूज में बताया जाता है कि एक मेटोराइड जो कि धरती की ओर तेजी से आ रहा है और किसी भी समय वो यहाँ आकर धरती को नष्ट कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हम मैडी और जियाओ को देखते हैं जो कि एक कंपनी में काम करते हैं और आज इनकी ट्रिप भी कहीं जा रही है। मैडी ने बहुत सालों बाद आज लॉटरी टिकट भी खरीदी है जिसे उसे उम्मीद है कि वो उसको ज़रूर जीतेगा। अब इसके बाद सभी एक साथ होते हैं जहां पर इनकी कंपनी का प्रेसिडेंट आकर बताता है कि हमारे शेयर आसमान को छू रहे हैं, इसीलिए इस महीने की सैलरी में आप सभी को 10% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये क्या मैडी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि उसके मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। दरअसल दोस्तों उसने वो 60 मिलियन युआन की जो लॉटरी खरीदी थी वो जीत चुका है, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे वहीं नाचना कूदना शुरू करता है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद उसे सैलरी हाइक से ज़्यादा खुशी हो रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो मिलियनर बन चुका है। खैर इसके बाद वो सभी अपने अपने में मस्त हो जाते हैं, लेकिन इतने में एक बंदा देखता है कि एक ऊँची लहर इनकी ओर आ रही है जो कि कुछ ज़्यादा ही ऊँची है। सभी ये देखकर एक पल के लिए बहुत डर जाते हैं और उनका डर तब बढ़ जाता है जब इतने में उसी लहर में कार्गो शिप उनकी ओर आ रही थी। वो कोच को फौरन दूसरी ओर घुमाते हैं जिससे कि वो पानी के नीचे चले जाते हैं। बड़ी सी वेल को देखते हैं जो देखकर इनकी फट के फ्लावर हो जाती है। अब वो कहाँ जा रहे हैं इन्हें भी खुद पता नहीं, क्योंकि लहरें इन्हें अपने साथ जहाँ लेकर जा रही है वो जा रहे हैं। इन सभी की आँख जब खुलती है तो ये लोग किसी चट्टान के ऊपर होते, वही इनकी बोट भी जो कि क्रैश हो चुकी है और अब वो चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडी फौरन से अपने लॉटरी टिकट को चेक करता है जो ठीक था, चलो अभी संभावना है अमीर होने की। इधर सभी लोग घबराए हुए हैं, उन्हें उल्टियाँ हो रही है। इतने में मैडी को शीना की आवाज़ आती है, वो उसे बचाने के लिए जंगल में जाता है जहाँ उसका पैर एक पत्थर के नीचे आ गया था। उसे वो बाहर निकालता है। इतने में हम बाहर प्रोफेसर विल को देखते हैं जो सभी को बता रहे थे, मैंने सुना है कि न्यूज़ में एक मेटोराइट हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा था, अब तक तो उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया होगा। किसी को भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं होता, खासकर मैडी को, जो सभी के सामने कह देता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ, अभी अभी तो मैंने लॉटरी जीती है, कम से कम थोड़ी दिन अमीरों की तरह तो मैं जी लूँ। वो कहता है कि हमें कुछ भी करके इमरजेंसी सिग्नल देना होगा। लेकिन इतने में वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगती है और इसीलिए सभी पास के एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाते हैं और खुद को भीगने से बचाते हैं। अगली सुबह रिक इन लोगों को लेकर जंगल में जाता है जहाँ उसे एक फल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, उसके सिवा किसी को भी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तो वो खुद चढ़ता और सभी को वो फल ला कर देता है जिसको खाकर उनकी भूख थोड़ी कम होती है। देन ये लोग अपनी लाइफ जैकेट से वहाँ पर SOS का साइन बना देते हैं। अगर आपको SOS का फुल फॉर्म पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद कुछ लोग बस में मिले कुछ टूल की मदद से एक रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी से तो बात कर सकें वो, लेकिन दोस्तों ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। ये लोग एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे ना कि इंजीनियर। वहीं प्रेसिडेंट के कहने पर एक लड़का बस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें आग लग जाती है जिससे उसका मालिक उसे बहुत गुस्सा करता है। तब प्रेसिडेंट गुस्से के मारे चिल्लाना शुरू करता है कि अभी उसके पास इतना पैसा है कि वो एक शिप भी खरीद सकता है, लेकिन इस समय वो पैसा सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है। इस दौरान हम दो लोगों को भी देखते हैं जो कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। वो बात कर रहे होते हैं कि ये फल अच्छे टेस्ट नहीं कर रहे, जो कि रिक सुन लेता है और वो उन्हें लात मारते हुए कहता है कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाकर खुद तोड़ लाओ और खा लो, यहाँ पर तुम सब बस एक आदमी हो, एक आम आदमी, ना कि मैनेजर। अब रिक उन सभी को जंगल के अंदर एक बड़ी गुफा में लेकर जाता है और बताता है कि आज से यही हमारा घर है, हम सभी यहीं रहेंगे जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। रिक वहाँ आग भी जलाता है। इस बीच मैडी तो अपनी ही दुनिया में था, वो शीना को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा रहता है। कुछ देर बाद शीना बाहर जाकर तेज तेज चिल्लाने लगती है। एक तो पहले से वो इतना परेशान थी, ऊपर से ये सारी परेशानी उसे और गुस्सा दिला रही है। वहीं अंदर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम रिक को अपना लीडर चुन लेना चाहिए, क्योंकि उसे सर्वाइव करना आता है, वो हमारा बियर ग्रिल्स है, उसकी वजह से हम सभी लोग अभी तक तो जिंदा है। अब सब मान जाते हैं और रिक भी उनके ऑफर को मंजूर कर लेता है क्योंकि इसमें उसका फायदा था। लेकिन कंपनी के मैनेजर और प्रेसिडेंट को ये बात नाखुश लगती है क्योंकि लीडर तो वही थे। खैर अब अगले दिन रिक सभी से कहता है कि हमें नहीं पता कि हम कब तक यहाँ से घर को लौटेंगे, इसीलिए जब तक हम यहाँ पर हैं हम सभी को टीम की तरह काम करना होगा। एक टीम खाना बनाएगी, एक टीम खाना लेकर आएगी और एक पानी लाएगी।
अगर सब अच्छे से काम करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ रिक के ऊपर लीडरशिप का घमंड चढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना दबदबा बनाना चाहता था, इसीलिए सभी के ऊपर दबाव जमाना शुरू करता है। पर कहीं ना कहीं खाने की कमी तो होने लगती है। वहीं एक दिन मैडी उसके रूल को तोड़कर जंगल में अकेला चला जाता है और वहाँ सभी चीज़ों को गौर करता है और खुद भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता है। पर जब वो वापस आता है तो रिक उसे बहुत सुनाता है, और जब शीना उसको खाना देने की कोशिश करती है तो उसके खाने को फेंक देता है और मैडी को पेड़ से उल्टा लटका देता है। सजा के तौर पर सभी को बहुत डरा रही थी, तो रिक उनसे कहता है कि अगर किसी ने भी उसके रूल्स को तोड़ा तो इससे भी बुरा सजा मिलेगी। इन सब के बीच जियाओ को अपने भाई की ऐसी हालत देख कर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जाकर उसे फ्री कर देता है। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जो उन्होंने छोटी सी राफ बनाई है उसकी मदद से कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। वेल, अब जब सुबह होती है तो मैडी शीना को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो इनकार करती है। शीना उन्हें समझाती है कि इस छोटी सी बोट से तुम समुंदर पार नहीं कर सकते, अपनी जिद को छोड़ो, जो कि सच भी था। इतनी ऊंची लहरों में इनकी बोट की धज्जियां उड़ जाएंगी। तब मैडी उसे वही अपने दिल की बात कह देता और कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम हमेशा परेशान रहती हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैंने ये लॉटरी की टिकट तुम्हारे लिए ही खरीदी ताकि हम दोनों साथ में अच्छे से रह सकें। ये कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर शीना उसे दूर हो जाती है, जिससे मैडी का दिल टूट जाता है और वो अपने भाई के साथ उस छोटी सी बोट से निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जिसके ऊपर बैठा मैडी अपने भाई से कहता है कि मैंने बचपने में बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए जिस दिन मैं शहर पहुंच गया इन पैसों से सब कुछ खरीदना चाहूँगा जो कि एक अमीर आदमी के पास होता है। एक ऐश भरी ज़िंदगी मैं जीऊँगा। इतने में उन्हें समुंदर में एक पोलर बियर मरा हुआ दिखता है, जो देखकर उन्हें लगता है कि शायद अंटार्कटिका में तो पानी नहीं भर गया या फिर सच में दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन उनके खाने का इंतजाम तो फिलहाल हो गया था, इसीलिए वो दोनों उसको लेकर वापस आ जाते हैं। सभी खाने को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन रिक उन्हें सजा देता है क्योंकि उन्होंने उसके रूल्स को तोड़ा था। रात होने पर रिक सभी को सोने नहीं देता, वो उनसे लगातार काम करवाया जा रहा था, जो देखकर सभी लोगों को अब गुस्सा आने लगता है। उन्हें लगता है कि अब रिक का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही हो गया है, वो किसी तानाशाह की तरह काम करवा रहा है, जो कि सच भी था। वो किसी को आराम करने का टाइम दे ही नहीं रहा था। इसी बीच हम एक दिन प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं, जो कि चट्टान पर खड़े होकर अपनी बेटी की फोटो देखकर उसे बहुत मिस करते हैं, और फिर वो अपने सारे पैसों को भी फेंक देते हैं क्योंकि अब वो किसी भी काम के नहीं रहे। अब जब उन्हें और मैडी को फल तोड़ने के लिए भेजा जाता है तो पूरे दिन साथ में रहने के कारण उनके बीच दोस्ती हो जाती है। जैंग को समझ आता है कि मैडी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद दोनों ही गुफा में आकर सभी को बताते हैं कि शायद सच में दुनिया खत्म हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस धरती पर बचे आखिरी इंसान हैं, इसीलिए हमें इस तानाशाह के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, हमें कुछ करना होगा तभी यहाँ से हम निकल सकेंगे। उसकी इस बात से रिक चिढ़ जाता है और कहता है कि जिसको भी इस पागल की बात पर यकीन हो रहा है वो मेरी इस गुफा से बाहर जा सकता है। अब ये लोग दो गुट में बढ़ जाते हैं, मैडी जियाओ और कुछ लोग जैंग के साथ आ जाते हैं, तो वहीं शीना प्रोफेसर और कुछ लोग रिक के साथ हो जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं और चलते चलते एक टूटी हुई शिप तक पहुँचते हैं, जिसके अंदर इन्हें काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे कि पेट्रोल, मछली पकड़ने वाली जाल और भी बहुत कुछ। पर वहाँ जाकर सभी को इस शिप के बारे में वो बता देती है, तो वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं रहने का डिसाइड करते हैं। तब जैंग उनसे कहता है कि यहाँ पर सभी को एक ही बनकर रहना होगा, यानी कि एक साथ एक रूल होगा, और अब से अगर किसी को कोई सामान लेना होगा तो वो करेंसी का इस्तेमाल करेगा, जो कि अब ताश के पत्ते होंगे। रिक को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपने लोग लेकर चला जाता है। तब मैडी उसे याद दिलाता है कि हमें यहाँ पर रहना नहीं है, बल्कि यहाँ से जल्द घर जाना है। पर जैंग भी यहाँ अपनी असलियत दिखा ही देता है, वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम दोनों को जाना है तो जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। दोनों भाइयों को ये बात बुरी लगती है, इसीलिए वहाँ से चले जाते। अब जंगल में जाने पर उन्हें थोड़ी खोजबीन करने के बाद एक क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है, तो उसके ही अंदर वो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मैडी की बड़ी दुविधा थी, उसे किसी भी हाल में आने वाले 27 दिनों में उस लॉटरी के टिकट को विड्रॉल करना था, वरना उसके ये 60 मिलियन वेस्ट हो जाएंगे। एक तरीके से वो कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। अब तो उसके दिन भी गुजारना मुश्किल हो रहे थे,
इसीलिए दोनों ही भाई वापस शिप पर लौट आते हैं जहां का पूरा माहौल चेंज हो गया था। इन 60 दिनों में लोगों ने जैंग को अपना लीडर मान लिया था जिसने वहां पर वो करेंसी वाला रूल लगा दिया है और रिक के टीम के कुछ लोग भी वहां पर आ गए हैं जिसमें शीना भी थी। वो सभी उन ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके सामानों का लेन देन करते हैं। इतने में जैंग आता है जिसे मैडी मछली जाल उधार मांगता है पर वो बिना करेंसी के उसे कुछ नहीं देने वाला जो कि उसके पास तो है ही नहीं और करेंसी तो उसके पास है ही नहीं। इसीलिए वो उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देता है और उसे बहुत मारता भी। अब 90 दिन बीत चुके हैं और दोनों की हालत बहुत बेकार है। उन्हें नहीं पता कि अब वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। वहीं मैडी भी बेचारा अब टूट चुका है क्योंकि लॉटरी का टाइम तो निकल गया है। उसके हाथ से 60 मिलियन युआन कब के निकल चुके हैं। मतलब इतनी बेकार किस्मत किसकी हो सकती है। अब एक दिन जब ये दोनों ऐसे ही उदास भूखे प्यासे बैठे होते हैं तभी अचानक से आसमान से मछलियां गिरना शुरू हो जाती है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में। लगता है ऊपर वाला मेहरबान है जो देखकर मैडी समझ जाता है कि उसकी लॉटरी तो लग चुकी है लेकिन पैसों की नहीं बल्कि इन चीज़ों की। दोनों ही भाई उन मछलियों को खूब खाते हैं और फिर उन सभी को स्टोर करके रख लेते हैं। तब मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो इन मछलियों का व्यापार करे रिक की टीम से और उसके बदले में उन्हें वो आइटम ले दे और उसके बदले में उन्हें वो आइटम ले जिन्हें बेच कर वो करेंसी को हासिल कर सकता है। जियाओ को भी ये ठीक लगता है इसीलिए वो दोनों रिक के पास जाकर उन्हें ये मछलियाँ बेच देते हैं और उन्होंने उन मछलियों को दो हिस्से में कर दिया था। वहीं जैंग की टीम भी अब उनसे डील करने लगी थी। देखते ही देखते दोनों ही ग्रुप में होड़ लगी थी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ खरीदनी थी जिसके चलते दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और ये दोनों भाई बड़े ही आराम से ये सब देख रहे थे। यही तो वो चाहते थे, उन्हें किसी भी हाल में यहाँ का लीडर बनना था जो कि अब वो कहीं ना कहीं बन भी गए थे। रात होने पर वो सभी के सामने ऐलान करते हैं कि अब हम यहाँ से किसी दूसरे आइलैंड की खोज में जाना चाहिए जहाँ पर शायद इंसान हो जो कि हमारी मदद कर सके। लेकिन जैंग उनसे कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, बस यही एक पृथ्वी का टुकड़ा बचा है। यहाँ मैडी का कहना था कि उसने और उसके भाई ने मिलकर कुछ आविष्कार किए हैं जिसकी मदद से वो अपनी बस को ठीक कर सकते हैं और हमने लाइट भी बना लिया है, उसकी मदद से हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ लोग उसके साइड आ जाते हैं और फिर मैडी अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये लोग अपनी बस को पत्थरों के बीच से जितनी जल्दी हो सके निकाल देते हैं। वहाँ एक लकड़ी का स्टैंड भी बनाते हैं। वहीं जियाओ ने हल्की फुल्की लाइट का आविष्कार किया था जो कि उस बोट से मिले पेट्रोल से बनी थी। कुछ बैटरीज थी जिसे उन्होंने फ़ोन भी चार्ज किया था जिसमें वो उन्हें उनके करीबियों की फ़ोटो देखता है जो उन्हें महीनों बाद देखी थी। दिन मैडी उन्हें सलाह देता है कि हमें मौसम और टाइम का ख्याल रखना होगा, उसे हर समय चेक करते रहना होगा तभी सही होगा। समय के साथ साथ अब सभी लोग मैडी को अपना लीडर मानने लगे थे और एक दिन उसने पूरे शिप को जगमगा दिया जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं, डांस भी करते हैं। ऊपर बैठे दोनों भाई उन्हें देख रहे थे किसी लीडर की तरह। अब एक रात दोनों भाई और रिक को कोई आवाज़ सुनाई देती है जो सुनकर मैडी कहता है कि ये आवाज़ तो मैं हर 10 दिन में सुनता हूँ लेकिन कभी पता नहीं लगा कि ये कहाँ से आ रही है। पर उस दिन उन्हें पता चल जाता है कि यह दरअसल एक शिप की है जो कि उनके काफ़ी पास से गुजर रही है, जो देखकर रिक बहुत खुश होता है और जाकर सभी को बताने को कहता है। पर ये दोनों खुश नहीं थे क्योंकि इन्हें फिर से गरीबों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी थी, इसीलिए इन्होंने शिप पर अफवाह फैला दी कि रिक पागल हो गया, उसे किसी भी बात पर कोई भी यकीन ना करे। सभी उसकी बात को मान लेते हैं और रिक को बुरी तरह से बुली करना शुरू करते हैं जो देखकर कहीं ना कहीं मैडी को बुरा लगता है। वहीं जियाओ जैंग से उसकी बेटी की वीडियो डिलीट करने की धमकी देकर उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा लेता है और फिर अपने भाई से कहता है कि हम एक काम करते हैं, इस शिप के फ्यूल पाइप को तोड़ देते हैं और इंजन को भी निकाल लेते हैं जिसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, इन्हें यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन उसकी ये सेल्फिश प्लान को सुनकर मैडी खुश नहीं था। अब एक दिन मैडी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ले जाकर एक जगह पर बैठा देते हैं। दरअसल वहाँ शीना उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर ये क्या, मैडी तो खुश नहीं है। वो सभी से कहता है कि मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि रिक पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच है। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि मैडी पागल हो चुका है। वहीं रिक ने तो खुद को पागल मान भी लिया क्योंकि उन लोगों ने उन्हें इतना सताया था कि उसका दिमाग ही घूम गया है। पर अब कोई भी मैडी की बात नहीं मानता। वहीं शीना को लगता है कि मैडी उसे बस इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही कहानी चलती रहती है और फिर एक दिन जियाओ अपने भाई को बताता है कि अब जैंग की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। उनकी ये सारी बातें रिक भी सुन रहा था। तब मैडी उसे भी खुद के प्लान में शामिल कर लेता और फिर उस रात वो लोग सभी को खूब शराब पिलाते हैं। वहीं रिक भी शिप की फ्यूल पाइप को खोल देता है और पूरे शिप में पेट्रोल डाल देता है।
वहीं नीचे मैडी अब शीना को एक मशाल देता और कहता है कि इस शिप को फेंक कर उसे जला दो। लेकिन किसी को भी उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, जियाओ को भी नहीं, क्योंकि ऐसे उन्हें उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा। पर मैडी के तो कुछ और ही प्लान होते हैं। जैसे ही उस शिप पे आग लगती है, वो उन प्रॉपर्टीज के पेपर को जला देता है जो कि जियाओ ने जबरदस्ती जैंग से साइन करवाए थे। ये देखकर जियाओ तो एकदम पागल हो जाता है। सभी उस शिप को जलता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आते हैं, क्योंकि अब वो कहाँ रहेंगे, और इसीलिए वो मैडी का पीछा करते हैं जो भागते हुए एक पहाड़ी पर चला जाता। इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता। तब वो शिप को देखता है जो कि उनकी ही ओर आ रही थी। सुबह होने पर हम मैडी को किनारे पर देखते हैं। वो जिंदा था। जब अपनी वो आंखें खोलता है तो वहां पर सिर्फ वो जला हुआ शिप और शीना दिखती है, जिसे वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए। तो वो बताती है कि सभी चले गए, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए जब अगली बारी वो आएंगे तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मैडी हंसने लगता है और वो भी उसे देखकर हंसती है। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।